पूछा। किशोरी जी की कथा के बाद बरेली के त्रिभटीनाथ मंदिर में शनिवार को भंडारा हुआ। खबर के बाद बीजेपी विधायक पप्पू भड़तौल ने 7 दिनों से पिंजरे में कैद तोते को आजाद कर दिया। तोता सुखदेव महाराज का प्रतीक बताया गया। देखिए हमारी यह खबर। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तोते को मुक्त करने के लिए विधायक भड़तौल कथा स्थल पर मौजूद हैं, जिन्होंने भागवत कही थी, सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कथा सुनी थी ऐसा कहा जाता है, और किशोरी जी की कथा के विश्राम के बाद सुखदेव जी महाराज को मुक्त किया जाना है, और विधायक जी अपने हाथों से यह मुक्त कर रहे हैं। मेरे कैमरे की नज़र में लगातार आप देख ही रहे हैं, विधायक पप्पू भड़तौल मौजूद हैं। साधारण भाषा में हम जिस पक्षी को तोता कहते हैं, सुखदेव जी महाराज हैं और जिन्होंने पूरे टाइम बैठ के कथा का श्रवण किया था, भागवत कथा का, इसको विधायक पप्पू भड़तौल खुद अपने हाथों से मुक्त कर रहे हैं। और देखिए उनके सहयोगी काफी मौजूद हैं, और देखिए जयकारों के बीच नारों के बीच मुक्त किया जा रहा है सुखदेव महाराज यानी तोते को। उधर से हाथ हटाओ तुम निकलेगा। अंगले परिक्रमा कर लेती परिक्रमा कर लीजिए। कथा के विश्राम के बाद केवल यजमान लोग घूमने यहाँ पर अपने स्थान पे घूम जाए। सब घूम गए। विधायक पप्पू भड़तौल मेरे कैमरे की नजर में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यज्ञ नारायण नारायण यहाँ पे प्रस्थान करेंगे और सभी का बहुत बहुत आदरणीय सेवा सचिव से आभार कि आपके साथ दिन तक इतना आनंद। विधायक पप्पू भड़तौल साहब, इस कथा के आयोजन और उसके बाद किन लोगों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सहयोगियों के लिए इस कथा के विश्राम के बाद? पप्पू भड़तौल विधायक जी, कथा में जो राधा रानी समिति जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है उन सब लोगों को आभार व्यक्त करते हैं, जो कथा सुनने आए उन सबका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बड़ा लगन से लोगों ने कथा को सुना, पूरे शहरवासियों ने, गैर जनपद गैर प्रदेश के लोग भी आए कथा को सुनने के लिए और बहुत विस्तार पूर्वक कथा को सुना। हमारी कमेटी और जो सरस्वती जयनारायण इंटर कॉलेज के बच्चे जो थे उन्होंने लोगों को कथा को सुनवाने का काम किया, बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बढ़िया देखरेख में उनके नेतृत्व में कथा को सुना गया था, इसलिए उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ और जिन्होंने कथा कही उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। सर्वप्रथम राधा रानी सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का कल समापन हो गया और आज उसी के उपलक्ष्य में हवन और उसके बाद भंडारा चालू है। और सारिका मिश्रा क्या कहना चाहेंगी इस कथा के बारे में कम शब्दों में? बहुत अच्छा लगा और जाने के बाद बहुत बुरा लगा। आप कह पाएंगे कथा में? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन एक जो आयोजन का व्यवस्था थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत पुराण का जो वर्णन श्रीमद् सुश्री जय किशोरी जी के मुख से होता है, उसके इतने भक्त हो गए हैं कि बार बार उनकी एक लाइन में कथा भगवान के दिया हुआ एक प्रसाद है हम लोगों के लिए, जिससे मानव जीवन सुखी होता है। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि भाई किशोरी जी की कथा बहुत ही अच्छी थी, पिछले साल से अब के संख्या ज्यादा रही और बहुत लोग जी की कथा के विश्राम के बाद यहाँ पर त्रिभटीनाथ कैंपस में भंडारे का आयोजन हुआ है।
और बड़ी संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे की नजर से, सबको हलवा एक बार हो गया, तसल्ली से लाना। अरे मेरी सरकार एक ही बार दे रहे। हेलो, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कथा के श्रवण के बाद बड़ी संख्या में। बहुत शानदार आयोजन हुआ था इसी बरेली के टिबरीनाथ कैंपस में, हजारों भक्त यहां पर मौजूद भी रहे। मुझे कितने प्यार के साथ यहां पर आयोजन चल रहा है। विधायक भड़तौल यहां पर मौजूद भी हैं, भंडारे का शानदार आयोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं किशोरी कथा के बाद भक्त। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर बजाइए।